टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने एमडी के साथ इरफान अलीम सईद 39 वर्षीय और रज्जाक सिराजुद्दीन रंगरेस 35 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 75 ग्राम एमडी बरामद किया गया है जिसकी कीमत 1,29,600 रुपये बताई गई है। डीसीपी अविनाश अंबूरे ने बताया है कि इरफान ये दरगाह रोड अमृत नगर का रहने वाला है जबकि रज्जाक शिबली नगर में रहता है और दोनों ड्राइवरिंग का काम करते हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दोनों नशीला पदार्थ लेकर मुंब्रा वाई जंक्शन से मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर जाने वाले हैं। इसी दौरान एपीआई कृपाली बोरसे की टीम ने फील्डिंग लगाकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इनके पास से 75 ग्राम एमडी बरामद किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी अविनाश अंबूरे ने क्या पूरी जानकारी दी है आपको सुना। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हमारे गोपनीय इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको 10 तारीख को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एमडी पाउडर मेफेड्रिन ये कौसा मुंब्रा एक जगह पे आने वाला है। ऐसे इन्फॉर्मेशन से हमने ट्रैक लगाया और हमारे एपीआई बुट्टे मैडम और उनकी पूरी टीम उन्होंने वहाँ पे वो ट्रैप लगा के इरफान अली सैयद और रजाक सिराजुद्दीन रंगरेस इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से हमने अभी तक 72 ग्राम एमडी पाउडर हमने बरामद की है। इसकी कुल कीमत 1,30,000 के करीबन है और इसके आगे हम लोग इसमें आगे और की रैकेट में इनकी कस्टडी ली गई है और 17 तारीख तक इनकी कस्टडी मिली है और इसमें और कोई लोग शामिल है इसके आगे के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे।